जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आप अपने फ़ोन में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन का बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में जितने भी मेथड दिखाऊंगा, सभी मेथड को मैंने यहाँ पर तीन पार्ट पर डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है बेसिक मेथड। इस पार्ट के अंदर जो सबसे पहला मेथड है वो है वॉलपेपर। हाँ, आपने सही सुना, वॉलपेपर। हम में से ज़्यादातर लोग बेसिकली तीन वॉलपेपर यूज़ करते हैं, तीन तरीके के वॉलपेपर, जैसे कि फर्स्ट है लाइव वॉलपेपर, दूसरा नॉर्मल जो कलर वॉलपेपर होता है, और तीसरा है ब्लैक वॉलपेपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करने का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ब्लैक वॉलपेपर से बैटरी ड्रेन बहुत ही कम होता है। और अगर आपके फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पर ब्लैक कलर अपेयर होता है वहाँ पर पिक्सेल्स ऑफ रहता है, और इसी वजह से बैटरी ड्रेन कम होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करने का रेकमेंड करूँगा। और जो दूसरा मेथड है वो है नेटवर्क से रिलेटेड। अगर आपके एरिया में कोई ऑपरेटर का नेटवर्क बहुत ही ख़राब है और उस ऑपरेटर का सिम आप यूज़ करते हो, तो ऐसे टाइम पर आपका फ़ोन को बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है नेटवर्क के लिए, और इसी वजह से आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन होता है। तो आपको ऐसे ऑपरेटर का सिम यूज़ करना है जिसका नेटवर्क आपके एरिया में बहुत ही बढ़िया हो, और इससे आपका बैटरी ड्रेन थोड़ा बहुत कम होगा। तो यहाँ पर बेसिक मेथड के अंदर लास्ट वाला मेथड है ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ कर देना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ़ क्यों करना है। ज़्यादातर लोग ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करके रखते हैं ताकि माहौल के अकॉर्डिंग जो ब्राइटनेस है वो कम या फिर ज़्यादा होता रहे। तो अगर आप अपने सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा ऑटो ब्राइटनेस, या फिर सैमसंग के फ़ोन में एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी नाम से ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। तो बेसिकली इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करके रखते हो तो आपके फ़ोन में ये बैकग्राउंड में मतलब बैटरी कंज्यूम करता रहता है, और इसीलिए आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है। तो आपको इसको डिसेबल कर देना है जिससे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर मेथड का जो अगला पार्ट है ये है एडवांस मेथड, और इसके अंदर सबसे पहला मेथड है आपको मिलेगा बैटरी के अंदर मतलब सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर डिवाइस केयर वाला ऑप्शन के अंदर एक बैटरी वाला ऑप्शन रहेगा। उसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक ग्राफ शो कर रहा है। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन शो करेगा, जो भी एप्लीकेशन हाल ही में आपने यूज़ किया होगा या फिर जो भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन शो करेगा। तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं किए हो लेकिन बैकग्राउंड में वो रन हो रहा था, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा लिमिट का। लिमिट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन आएगा पुट टू स्लीप। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका वो एप्लीकेशन स्लीप मोड पर चला जाएगा, तो इससे आपका बैटरी मतलब कंज्यूम कम होगा। और उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, या फिर फोर्स स्टॉप भी कर सकते हो। तो अगला वाला जो ऑप्शन है ये आपको बैटरी के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन का नाम है बैकग्राउंड यूजेज लिमिट। अगर आप इस ऑप्शन के अंदर जाओगे तो ऊपर एक ऑप्शन को पहले आपको इनेबल कर लेना है अगर डिसेबल है तो। उसके बाद नीचे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक है स्लीप ऐप्स, दूसरा है डीप स्लीप ऐप्स, और तीसरा है नेवर स्लीप ऐप्स। तो यहाँ पर ऊपर वाला दो ऑप्शन यहाँ पर काम का है। तो अगर आप स्लीप ऐप्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो सेक्शन है, एक है ऑटोमेटिकली एडेड, मतलब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन ऐड हुआ है वो ऑटोमेटिकली हुआ है, मैंने नहीं किया, और ऊपर है मैनुअली एडेड, मतलब मैंने खुद से ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे ऐड होता है, तो इससे पहले जो मैंने ऑप्शन इनेबल किया था ऊपर वाला, उस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन आप बहुत ही कम यूज़ करते हो वो एप्लीकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मैनुअली ऐड करना चाहते हो तो ऊपर एक प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर जाने के बाद सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो करेगा। तो जो भी एप्लीकेशन बहुत ही कम यूज़ करते हो आप, उन एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद जो डीप स्लीप वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर भी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड हो चुका है, मतलब इन एप्लीकेशन को मैं बहुत दिनों से नहीं यूज़ कर रहा। तो ऐसे ही अगर आपके फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन है जो आप बहुत दिनों से नहीं यूज़ कर रहे हो लेकिन इन फ्यूचर आप यूज़ करना चाहते हो, तो उन एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सेम वही मेथड है, प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है और ऐप को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐसे ही आप स्लीप ऐप्स और डीप स्लीप ऐप्स के अंदर एप्लीकेशन को ऐड करके जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता है उन सभी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करके एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आप पा सकते हो। अगला ऑप्शन भी आपको बैटरी के अंदर ही मिलेगा, नीचे एक ऑप्शन रहेगा सबसे नीचे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा एडाप्टिव बैटरी का, इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पर, और ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जाना है ऑटो मोशन पर, और इसके अंदर एक और ऑप्शन रहेगा एडाप्टिव पावर सेविंग, इसको भी इनेबल कर देना है। तो बेसिकली ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम ही काम करता है, तो दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है।
इससे आपको बैटरी बैकअप पहले से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो गया एडवांस मेथड, अब चलते हैं सुपर एडवांस मेथड की तरफ। तो इस मेथड के अंदर आपको चार मेथड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला मेथड है लोकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपको जाना है लोकेशन के अंदर, और इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा इम्प्रूव एक्यूरेसी का। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर दो ऑप्शन है, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो दोनों ऑप्शन को वन बाय वन आपको डिसेबल कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका वाईफाई या फिर ब्लूटूथ ऑफ भी रहे तो भी ये बैकग्राउंड में यूज़ करता है आपका लोकेशन के एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको इसको सिंपली डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने से आपका जो बैकग्राउंड में यूज़ होता है वो यूज़ नहीं होगा और आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा डेवलपर मोड के अंदर। तो अगर आप में से किसी को पता नहीं हो कि डेवलपर मोड को कैसे एनेबल करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ, मैं आपको बता दूंगा कैसे एनेबल करते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर मोड ऑप्शन के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग का। तो सिंपली इस ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना है। तो एनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखा भी है कि अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर देते हो तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो इम्प्रूव होगा और अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन भी डेवलपर मोड के अंदर ही मिल जाता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक स्टैंडर्ड लिमिट है, नॉर्मली स्टैंडर्ड लिमिट पर ही सेट रहता है। और नीचे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस, एटमोस्ट वन प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटमोस्ट वन प्रोसेस को आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसको सेट करने से आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन रहता है उनमें से एक ही एप्लीकेशन एक्टिव रहेगा, मतलब रन करेगा, और बाकी एप्लीकेशन यहाँ पर किल हो जाएगा। इससे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन मतलब किल हो जाएगा, बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, इससे बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है इसी के ऊपर, यह है डोंट कीप एक्टिविटीज़। इसको आपको एनेबल कर देना है और इसका काम भी लगभग सेम ही है कि जितने एप्लीकेशन आपने यूज़ किया है उसको किल कर देना। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला मेथड है ये आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन के अंदर। एडवांस के अंदर आपको मोशन एंड जेस्चर के अंदर जाना है और यहाँ पर जितने भी जेस्चर्स मिल जाता है इनमें से जो भी आप यूज़ करते हो सिर्फ उन्हीं को एनेबल करके रखना है, और जो यूज़ नहीं करते हो, जो अननेसेसरी जेस्चर्स है, उन सभी जेस्चर्स को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। तो इससे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स देना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को बहुत ही लाइटली यूज़ कीजिए, कोई भी कस्टमाइजेशन मत कीजिए, कोई भी फालतू का लॉन्चर इंस्टॉल मत कीजिए। तो इससे आपका फ़ोन स्मूथ भी चलेगा और उसके साथ बैटरी ड्रेन भी कम होगा। और यहाँ पर जितने भी मेथड मैंने दिखाया सभी मेथड को एक साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप जाओ सभी मेथड को यूज़ करके देखो और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो इसमें हम इतना ही, वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।